नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, हम आपको ये बोर्ड बनाना बताऊंगा। इस बोर्ड में चार आपके सॉकेट हैं, 1 2 3 4, और आपके चार स्विच हैं, 1 2 3 4। ये वाला सॉकेट इस स्विच से रहेगा, ये वाला सॉकेट इस स्विच से रहेगा, और ये वाला सॉकेट इस स्विच से, ये वाला सॉकेट इस स्विच से, इस तरीके से रहेगा। इसी तरीके से हम इसकी वायरिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से इसको हम पलट लेंगे। अब आप ये देखिए दोस्तों कि ये आपकी स्विच है, ये स्विच है, और ये स्विच है, और ये स्विच है, और ये सॉकेट है, ये सॉकेट है, ये सॉकेट है, ये सॉकेट है। तो स्विच सॉकेट, स्विच सॉकेट, स्विच सॉकेट, स्विच सॉकेट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, चलिए फिर से बता देते हैं कि जिस भी स्विच का हम कनेक्शन जिसके लिए करते हैं, उसके ऊपर वाले में हम तार को लगाते हैं, ऊपर वाले टर्मिनल में हम तार को लगाते हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए, इस तरीके से देख लीजिए, ये आपका है ऊपर वाला हिस्सा, ये है नीचे वाला हिस्सा। तो इसमें आप देखिए, तो देखिए दोस्तों, स्विच का ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है सॉकेट, स्विच सॉकेट, स्विच सॉकेट, स्विच सॉकेट। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर यहाँ पर ऐसे करके तार को एक लगाएंगे, और जिस स्विच का हम जिसके लिए कनेक्शन करेंगे, उसके ऊपर वाले में ही तार को हम लगाएंगे दोस्तों। जैसा कि आप ये देखिए, हम इसमें इसको हम लगा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। और सॉकेट के, जैसे कि ये देखिए, सॉकेट के एक टर्मिनल पर इसको लगा दिया हमने। तो अब क्या हुआ, इसमें ये वाला स्विच हमारा इस सॉकेट के लिए हो गया, इस वाली स्विच से हमारा ये सॉकेट चालू बंद होगा, ये वाला इस तरीके से, ये देखिए आप। और ये वाला सॉकेट हमारा बगल वाली स्विच से चलेगा, बगल वाली स्विच से चलेगा, और इसमें भी हम इसको लगा देंगे। ये देखिए हमने इसको लगा दिया, इस तरीके से इस स्विच के ऊपर वाले में लगाया और सॉकेट के इस टर्मिनल पर लगा दिया। अब हम इस स्विच के ऊपर वाले में लगाएंगे और सॉकेट के इस टर्मिनल पर हम लगा देंगे, इस तरीके से, जैसा कि हमने इसमें लगाया है। आप देखते जाइए बराबर इस तरीके से, ये देखिए आप, ये देखिए। और इसी तरीके से हम सभी स्विच के ऊपर वाले में हम तार को लगा लेंगे और सॉकेट के एक टर्मिनल पर इसको हम लगा लेंगे, जैसा कि इसमें हम लगा रहे हैं। सॉकेट के एक टर्मिनल पर हम सभी का अलग अलग तार को लगाते जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। ऐसा करते हैं दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से हम सभी के तार को लगा लेंगे। आप देखिए, ये देखिए हमने सभी के इसमें लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों दो तार लेंगे, ये देखिए हमने दो तार लिए। इन दोनों तारों से इस बोर्ड में लाइट आएगी, करेंट आएगा। कहने का मतलब ये है कि इन्हीं दोनों तारों से ये बोर्ड चालू होगा, इस बोर्ड में बिजली आएगी। तो एक तार को हम क्या करेंगे, सॉकेट के इस टर्मिनल पर लगा देंगे, ये देखिए लगा दिया। और एक तार को क्या करेंगे, ये स्विच के नीचे वाले में लगा देंगे, इस तरीके से लग गए। अब देखिए इस जगह पे जो हमने लगाया, इसमें हम एक तार को ऐसे करके ज्वाइंट करेंगे, टुकड़ा लेंगे हम छोटा सा, इसको हम ज्वाइंट करके ऐसे करके, ये देखिए हम इसी में लगा दिया, इसी में हमने लगा दिया, ये देखिए इसमें हमने लगा दिया, और इसको हम कस देते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, एक तार को और जोड़ेंगे, इसी में लगाकर एक तार को और जोड़ेंगे, ये देखिए। और जोड़ने के बाद ये देखिए सॉकेट के एक टर्मिनल पर हम लगा देंगे, फिर हम एक तार को जोड़ेंगे, ये देखिए, फिर हम सॉकेट के इस टर्मिनल पर लगा देंगे। इसी तरीके से दोस्तों 10 20 30 कितने भी सॉकेट लगे हों आप, इसी तरीके से लगाते चले जाएंगे। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए,
इस तरीके से हम लगाते चले जाएंगे। ऐसे करके हम लगाते चले जाएंगे। ऐसे करके ये देखिए सभी हमने लगा दिए। यहाँ से आए सॉकेट से सॉकेट, सॉकेट से सॉकेट, सॉकेट से सॉकेट, सॉकेट से स्विच, सॉकेट से स्विच, सॉकेट से स्विच, सॉकेट से स्विच, इस तरीके से। इसको हम स्विच बोलते हैं, इसको सॉकेट बोलते हैं, ठीक। अब चलिए हम लेंगे और तार लेंगे। ये देखिए हमने और तार लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्विच वाला हिस्सा बचा है, ये जो हमने स्विच में यहाँ पर लाल वाला तार लगाया, इसमें भी हम एक तार को ऐसे जोड़ लेंगे। ये देखिए इसको हमने जोड़ लिया। अब यहाँ से हम इसको ऐसे करके लगाएंगे। ये देखिए हमने इसको यहाँ पर लगा दिया। ये देखिए यहाँ पर लगा दिया। यहाँ लगाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसमें यहाँ पर लगाएंगे एक तार के टुकड़े को और जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इसको भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर लगा दिया स्विच के नीचे वाले हिस्से पर हम लगाएंगे, स्विच के नीचे वाले हिस्से पर। ये देखिए लगाते जा रहे। अब हम फिर यहाँ पे एक तार जोड़ेंगे और फिर हम स्विच के नीचे वाले में लगाएंगे। ये देखिए स्विच के हम नीचे वाले में लगाएंगे और लगा भी दिया है। स्विच के नीचे वाले हिस्से पर हमने इसको लगा दिया इस तरीके से। इस तरीके से स्विच के नीचे वाले हिस्से पर लगा देंगे। और ये देखिए अब स्विच का नीचे वाले पे इसको हम लास्ट में यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। अब ये देखिए इसमें हमारा ये बोर्ड बनकर बिल्कुल तैयार हो गया, बोर्ड बनकर तैयार हो गया। देखिए यहाँ फेस लाए बत्ती का, ये जिससे लाइट आएगी, एक तार को यहाँ लगा दिया, यहाँ से स्विच तक, फिर स्विच से स्विच तक, फिर स्विच से स्विच तक। यहाँ हम लाए ये तार लाइट वाला, यहाँ से सॉकेट, यहाँ से सॉकेट, यहाँ से सॉकेट। इसके बाद जिस भी स्विच का कनेक्शन जिस सॉकेट के लिए करेंगे उसके ऊपर वाले में लगा कर एक में लगा देंगे, ऊपर वाले में लगा कर एक में लगा देंगे, ऊपर वाले में लगा कर एक में लगा देंगे, ऊपर वाले में लगा कर एक में लगा देंगे, इस तरीके से। चलिए अब हम आपको टेस्टिंग कराते हैं। ये देखिए टेस्टिंग कराते हैं। और इस बोर्ड में लाइट है, इस बोर्ड में दोस्तों लाइट है, इसमें हम तार को लगा देते हैं। ये देखिए हमने तार को लगा दिया। ये देखिए हमने तार को लगा दिया। अब इस बोर्ड में हम लगाते हैं, इसको चेक कराते हैं। ये देखिए ये वाला हमारा सॉकेट जो है वो इस स्विच से, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ये वाला है जो ये वाला हमारा इस स्विच से, ये देखिए ये वाला हमारा इस स्विच से। तो जिस स्विच में हम जैसा कनेक्शन में किया, ये देखिए सब चल रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से बोर्ड में वायरिंग की जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, लाइट से संबंधित जानकारी को सीखते रहें।